दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप नया फेसबुक प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल से एकदम इजीली तरीके से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर जेन्युइन वीडियोज मिलती रहती है। तो देखिए दोस्तों, आप फेसबुक जो है प्रोफाइल वो दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो फेसबुक ऐप से बना सकते हैं, दूसरा है कि आप ब्राउजर पे फेसबुक लिख के सर्च करेंगे वहां से बना सकते हैं। मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं ऐप से बनाकर आपको दिखाता हूं। देखिए आपको यहां पे क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट लिखा है, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे नेम में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना ये ट्रेवल्स के नाम से बना रहा हूँ, तो ये मैंने लिख दिया है, और आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको अपना डालना है, ना कि आपको किसी एजेंसी का डालना है। आप यहाँ पे अपना बनाए या कंपनी का बनाए उसे मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आप डाल देते हैं, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लिया, ये यहाँ पे हो गया जनवरी, जनवरी 26 जनवरी, यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये देखिए 26 जनवरी हो गया, और जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका आप डाल लेंगे। अब इसके बाद इसको आपको सेट करना है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए मेल फीमेल कस्टम जो भी है आपको यहाँ पे जो डालना है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेल है तो मेल कर देते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपका क्या मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। इंटर द मोबाइल नंबर वेयर यू कैन बी कॉन्टेक्टेड, नो वन विल सी दिस ऑन योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जो भी मोबाइल नंबर आपका होगा, जो चालू होगा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है, इसलिए बंद मोबाइल नंबर मत डालिएगा। और सेकेंड ऑप्शन नीचे में आपके पास है साइन अप विद ईमेल। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल नंबर ना डालें, मतलब मोबाइल नंबर से आईडी ना बनाए, तो आप ईमेल से भी बना सकते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ईमेल वाला भी ऑप्शन है, हम यहाँ पे साइन अप विद ईमेल पे करते हैं। अब यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी डालना होता है, क्योंकि ईमेल से हम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड हमें क्रिएट करना है। Create a password with at least 6 letters or numbers. It should be something others can't guess. मतलब आपको 6 letter और number, मतलब digit है, ये दोनों मिलाकर आपको इन दोनों का combination वाला यहाँ पे password create करना है, और ऐसा बनाना है कि कोई उसे guess नहीं कर सके, ताकि आपका account जो है वो safe है। तो चलिए जो भी आपका password यहाँ पे होगा आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना डाल लीजिए जो भी पासवर्ड आपको डालना है, पासवर्ड आप यहाँ पे डाल लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आता है सेव योर लॉगिन इन्फो, यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं सेव कर लेते हैं। आप नॉट नाउ भी कर सकते हैं, नॉट नाउ करने से क्या होता है कि आपको बार बार लॉगिन करना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे आता है एग्री टू फेसबुक टर्म्स एंड पॉलिसीज, आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं, और इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ सेकंड वेट कर लेंगे और देखते हैं कि इसका आगे का क्या प्रोसेस आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कंफर्मेशन कोड यहाँ से सेंड किया गया है हमारे ईमेल पे, तो अब हमें बैक करना है और आना है अपने उस जीमेल आईडी पे जो हमने अपना ईमेल वहाँ पर डाला था। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए ये कन्फर्मेशन कोड यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से हमें कोड यहाँ से वहाँ पर डालना है 29302। तो चलिए इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं 29302। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास कोड नहीं आता है तो आई डिड नॉट गेट द कोड पे क्लिक करेंगे आप, तो दोबारा कोड आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है, तो हम इसे प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर देते हैं जो कि मेरे फोन के गैलरी में है। अगर आपने पहले से बना कर रखा है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तुरंत ही ऐड करना होता है। तो देखिए यहाँ से हमें अपना प्रोफाइल पिक्चर जो है ऐड कर लेंगे अभी, और इसके बाद आपको और भी कुछ सेटिंग्स यहाँ पे करना होता है, वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि आपको कैसे यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा।
अब देखिए यहाँ से हम अपना गैलरी खुल चुका है मेरे मोबाइल का। यहाँ से अपना जो प्रोफाइल पिक्चर जो हमें यहाँ पे डालना है, क्योंकि मैंने ये सूर्या ट्रेवल्स के नाम से बनाया है, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर में अपने ट्रेवल्स का जो लोगो मैंने बना कर रखा है उसे यहाँ पे ऐड करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ये लोगो हमारा आ जाएगा, ये लोगो यहाँ पे आ चुका है, इस पर हमने क्लिक किया, ये ऐड हो चुका है। इसको आप एडिट करके इसको क्रॉप कर सकते हैं। चलिए डन पे क्लिक करते हैं और अब देखिए यहाँ पे ये हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे समय लग रहा है, कुछ सेकंड का समय लगेगा, वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर हमारा लग चुका है, यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम टू फेसबुक सूर्या। अब देखिए यहाँ पे है टर्न ऑन कॉन्टैक्ट अपलोडिंग टू फाइंड फ्रेंड्स फास्टर। यहाँ पे हमें नॉट नाउ करेंगे, क्योंकि अगर हम टर्न ऑन करेंगे तो हमारे मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं उन सब से ये सिंक हो जाएगा। जो जो फेसबुक पे होंगे उन सब को यहाँ से रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट लिखा रहा है, स्किप करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सारा कॉन्टैक्ट जो है वो सबके पास रिक्वेस्ट सेंड हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने पर देखिए हमारा फेसबुक प्रोफाइल जो है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, ये जो आइकॉन है यहाँ पे देखिए एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। पहले देखिए रिफ्रेश हमने कर लिया है, अब ये लेफ्ट साइड में जो आइकॉन बना है प्रोफाइल का क्लिक करते हैं यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ पे ये हमारा लोगो तो आ चुका है, यहाँ पे क्या लिखा रहा है देखिए, कंटिन्यू सेटिंग अप योर प्रोफाइल। तो हम इसको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन हमारा जो भी है वो लोकेशन यहाँ पर डालना होता है। आप जिस सिटी से भी होंगे वो लोकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, वैसे डाल लेना बेटर रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं, ये हमने डाल लिया और ये देखिए सर्च करके यहाँ पे हम डाल लेते हैं, ये मैंने डाल लिया। अब सेव पे क्लिक करेंगे, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ सेटिंग का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ओनली मी कर देंगे या फ्रेंड्स कर देंगे, लेकिन मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, पब्लिक रहने देता हूँ। और आप देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा रहा है, ऐड योर होम टाउन लिखा रहा है। तो होम टाउन जो है, तो होम टाउन भी आप यहाँ से इसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको भी आप चाहें तो पब्लिक, फ्रेंड, जो भी करना है आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, ओनली मी कर देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। इसके बाद आता है सर्च फॉर ए स्कूल, तो स्कूल वगैरह जो है हमें अभी यहाँ पे नहीं डालना है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। कॉलेज भी नहीं डालना है, स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है एड योर कंपनी, सर्च फॉर ए कंपनी, तो कंपनी में हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी भी अभी हम छोड़ देते हैं। आप अगर किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या आपका कोई कंपनी है तो उसको यहाँ पे आप लिस्टेड कर सकते हैं। चलिए स्किप कर देते हैं। रिलेशनशिप स्टेटस है, अगर आप सिंगल है तो सिंगल रहने दीजिए, मैरिड है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चलिए सेव कर देते हैं। अब आता है कवर फोटो, तो कवर फोटो अगर आपने बना कर रखा है तो आप अपलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल की गैलरी से। नहीं बना कर रखा है तो आप इसको बाद में ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बना कर रखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए मैंने कवर फोटो जो बना कर रखा था वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने बनाया है बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में फिर से एडिट करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे ऊपर सेव का जो ऑप्शन है लिखा हुआ, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कवर फोटो जो ऐड कर लिया है अभी वो यहाँ पे दिखेगा अभी कुछ ही सेकंड में। अब देखिए वो यहाँ पे कवर फोटो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है फीचर्स, बायो, हॉबीज, म्यूजिक लिखा रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे ये सब जो है आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बायो में आते हैं और बायो में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि मेरा ट्रैवल एजेंसी है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, ये आई एम ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पेपॉइंट इंडिया लिमिटेड, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसको हम सेव पे क्लिक कर देते हैं, पब्लिक रहने देंगे क्योंकि हमें ये पब्लिक को दिखाना है। अब हॉबीज वगैरह जो है हमें यहाँ पे नहीं डालना है फिलहाल, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है यू आर ऑल डन लिखा रहा है, यहाँ पे चारों पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है,
मतलब प्रोफाइल कंप्लीट है। व्यू योर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि कवर फोटो हमारा सही से नहीं हुआ है, तो इसको हम फिर से एडिट करके यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्रोफाइल जो हमारा है इस तरीके से दिख रहा है। तो प्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही काम करना है, जैसे यहाँ पे देखिए ये भी पोस्ट हो चुका है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेंड वगैरह बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया सक्सेसफुली कैसे क्रिएट करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी फेसबुक से रिलेटेड या कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए धन्यवाद।